क्या था सर? ये मैंने अभी अपनी लाइफ में लगभग 10 साल तो हो चुके थे काम करते, और मेरे को ना कंपोनेंट का बेसिक नॉलेज भी नहीं था, और पैरेलल सीरीज और ये कंपोनेंट्स के बारे में मेरे को यहीं पे आके, और वो भी दो दिन में यहाँ पे आके आपको कंपोनेंट्स की नॉलेज हो जाती है। मेरे कहने से तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, एशिया टेलीकॉम को चुनो और कामयाब रहो। सबसे अच्छा सिखाते हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं, आपको गाइडेंस बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे भी अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पर भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पर टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम एक महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये तो नहीं। तो आपने दो दिन पहले आया था तो सर ने बोला था कि दो दिन के बाद ही फीस लेते, दो दिन डेमो क्लास देने के पहले हमको समझ गया कि ये कैसा है सर सिखाते हैं। मैं पहले से थोड़ा काम करता था लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पूरा मतलब कम्प्लीट नॉलेज मिल गया यहाँ। मतलब कोई भी अगर सीखना चाहता है तो एशिया टेलीकॉम में आए, और जो ये सर बोलते हैं कि हम प्रैक्टिकल करवा दिखाते हैं, ये सब प्रैक्टिकल और सब सही तरीके से नॉलेज देते हैं, ट्रेसिंग वगैरह का बहुत सही जगह पे इंटरव्यूड है, जो अपने को आधा अधूरा नॉलेज देते हैं तो उनको ट्रेसिंग वगैरह सिखाया नहीं जाता है। मैं यहाँ के अच्छा ट्रेसिंग सीख गया हूँ, और कोई भी फॉल्ट रहेगा तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कंफ्यूजन तीसरे दिन में पूरा कंपोनेंट एनालिसिस पूरा आ गया फुल, मतलब मोबाइल के मदरबोर्ड में जो भी कंपोनेंट होते हैं पूरी एनालिसिस मिल गई। फिर आगे अभी 10-12 या दिन हो गए उसमें तो पूरा हार्डवेयर का पूरा कोर्स हो गया, अभी हार्डवेयर का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो सर बना लेंगे। अच्छा, दो दिन आपको जब तक था क्या आपसे पैसे लिए गए? नहीं सर, दो दिन के कोई पैसे नहीं लिए, रात तक 7-8-9 बजे तक क्लास चली दोनों दिन। अच्छा, और फिर 7 बजे तक यहाँ से क्लास चलती थी, फिर रात में भी क्लास चलती थी हॉस्टल में? 12-1 बजे तक क्लास चलती थी। बैच के स्टूडेंट वो बैठे हैं मिलन सर, हर महीने की जैसे हम देखते हैं कि हम जो वीडियो बनाते हैं अपने बैच का, और जब भी हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अटेंड करते हैं और इनसे हम एक्सपीरियंस लेते हैं कि किस तरह का इनका लगा, जितना दिन भी ये रुके हैं इन्होंने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है, तो एक रिव्यू वीडियो भी है, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इसी टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं या आप एक ट्रेनर है या आप सीख रहे हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप में कमी है और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ बिल्कुल आइए, अब आपको बताएंगे प्रॉपर गाइडेंस कैसे है। और अभी आप बात करते हैं एक एक बच्चे से और थोड़ा सा उनका रिव्यू लेते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से उनकी गाइडेंस रही यहाँ पे और उन्हें कुछ सीखा कि नहीं सीखा। चलिए सबसे पहले मैं इनके साथ आना चाहता हूँ, खाते समय इनको उठा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मोहन, आप ये बताओ कि आपने इसी टेलीकॉम को जो चुना वो क्यों चुना? यहाँ पे स्टूडेंट का जो रिव्यू है इसी की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और वही रिव्यू आज तुम दे रहे हो, तो ये बताओ जो रिव्यू ऐसे मिलते हैं वो फेक होते हैं कि सही होते हैं? एकदम रियल होता है सर, 100% है। क्या अनुभव लिया अब तक के हार्डवेयर के, जो हमारा हार्डवेयर लगभग कम्प्लीट हो चुका है, 14 दिन हो गए, कैसा लगा आपको यहाँ पर? बेस्ट है, मतलब जो सोच के आए थे वो मिला आपको यहाँ पर? उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप दुकान में बैठ के काम कर सकते हैं? तो ये बड़ी बात है कि दुकान में बैठ के हम काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो वैसे ही आप हमारे साथ में हैं यहाँ पर, अभी हमारे साथ में है राजेश सर। राजेश सर आप चलिए रिव्यू यहाँ पे देना चालू कर दीजिए, बताइए, क्योंकि हम यह पूछना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पहले ये जानना चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट हमारे यहाँ आते हैं वो सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। चलिए, महाराष्ट्र से हो विलास ढोले। तो विलास ढोले जी ये बताइए कि अभी आप इतनी दूर से आए हो, तो अभी आपने जो कोर्स किया 12 दिन की क्लास भी चल चुकी है, 13-14 दिन की, तो उसमें आपने जो सीखा तो क्या आप जो सोच के आए थे वो आपका पूरा हुआ? यस सर, जो सोच के आए थे उससे ज़्यादा भी मिला। तो आपको लगता है कि अब आप दुकान में बैठोगे तो वो चीज़ आप प्रॉपर कर पाओगे? ठीक है। तो और जोश के साथ में राजेश यहाँ पे पूछे मिलन। तो क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। विशाल, कहाँ से आप? यूपी से। विशाल जी आप यहाँ पे इतनी दूर आए हैं यूपी से, और यूपी में आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, तो आपने सिर्फ एशिया टेलीकॉम को सेलेक्ट किया? सर, रीजन
यूपी में जितने भी इंस्टीट्यूट थे वो ठीक नहीं थे, ठीक थे, तो वहाँ कुछ बढ़िया सिखाया नहीं जाता था। ऐसे टेलीकॉम का बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, बढ़िया सीखे हम लोग यहाँ से, दुकान में बैठे डर लगता था, पर यहाँ सीख जाने के बाद डर नहीं लगता। जो भी काम करेंगे आप कॉन्फिडेंस के साथ साथ भी जानकारी मिलती, क्या क्या टेस्ट में क्या क्या करना, ड्रेसिंग बढ़िया हम लोग को मिला और सारे कॉम्प्यूटर की जानकारी मिली हम लोग को, जैसे कि मतलब आप सेटिस्फाई जी सर। ओके थैंक यू। अच्छा उत्तराखंड से, तो सौरभ सिंह जैसे कि आप मतलब वहाँ पे छोड़ के और यहाँ जबलपुर जैसे साथ में आए, रिसेंटलीम में आप आए, तो अभी जो सोच के आए थे तो क्या वो चीज़ पूरा हो रहा है? क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप जब आते हो तो कहीं कहीं रिव्यू देख के आते हो, तो वो रिव्यू आज आप खुद दे रहे हो, तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सर जो ज्ञान नहीं मिला था मेरे को अभी तक, वो ज्ञान यहाँ मिला मेरे को। चलिए ठीक, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी मैं मनोज कुमार। मनोज कुमार कहाँ से आप? जी हरियाणा, यमुनानगर। हरियाणा से, तो मनोज जी जैसा कि दिल्ली तो आपके बहुत पास है और दिल्ली में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट भी है, तो आप मतलब यहाँ इसको सेलेक्ट किया आपने, तो रीजन क्या था? सर ये मैंने अभी अपनी लाइफ में लगभग 10 साल तो हो चुके थे काम करते, और मेरे को ना कंपोनेंट का बेसिक नॉलेज भी नहीं था, और पैरेलल सीरीज और ये कंपोनेंट के बारे में मेरे को यहीं पे आके, और वो भी दो दिन में यहाँ पे आके आपको कंपोनेंट की नॉलेज हो जाती है। मेरे कहने से तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, एशिया टेलीकॉम को चुनो और कामयाब रहो। सबसे अच्छा सिखाते हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं, आपको गाइडेंस बहुत अच्छा मिलेगा सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में, जो आप कहीं भी नहीं सीख सकते हो तो आप यहाँ पे आके सीख सकते हो, फिर वो भी मात्र एक महीने। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पर भी टाइम लगता था, आप दूसरे की दुकान पर टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम एक महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। चलिए ठीक है, मतलब आपने जो सोचा था या जो सोच के आए थे वो कुछ पूरा हुआ है कि नहीं? उससे भी ज़्यादा हुआ था। चलिए ठीक, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? प्रशांत। प्रशांत छत्तीसगढ़ से हैं, तो प्रशांत जी अभी आप यहाँ पे आए और अपने कई सारे क्लास अटेंड कर चुके हैं आपने, तो जो सीखना हार्डवेयर का भी क्लास अटेंड किया आपने, तो आपने जो सीखा तो वो चीज़ आप अब आपको कॉन्फिडेंस है, सैटिस्फाई है? पहले नहीं था यहाँ के, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, सीखने को बहुत कुछ मिला। सर अपने देव सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, हर एक एक चीज़ बढ़िया से बताते हैं, जो एकदम समझा के बोलते हैं, समझ नहीं आता फिर दोबारा बताते हैं, यानी पूरा समझा के ही भेजते हैं। हाँ एकदम। मेरा नाम दिलीप भैया, असम से, असम गुवाहाटी। तो ये बताइए आप आसाम से आए, इतनी दूर से आए, तो अभी आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है, क्योंकि आपने 12 दिन की क्लास की है ना, तो आपने हार्डवेयर का क्लास पूरा अटेंड कर लिया है, अभी सॉफ्टवेयर की क्लास चलने वाली है, तो आपको कैसा फील हो रहा है, क्या बोलना चाहेंगे आप इसी टेलीकॉम के बारे में? मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, लगभग 1800 किलोमीटर आसाम गुवाहाटी से, तो मैं सोच के आया था कि यहाँ पर सीखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ आके देखा कि जो सोच के आए थे उससे ज़्यादा मिला, और सारे लोग जो सिखाते हैं, देव सर, राजेश सर, इनका जो सिखाने का जो तरीका है उसको बहुत अच्छा लगा, और हमारे जो सीख रहे हैं नए और पुराने जो टेक्नीशियन है उनको सभी को अच्छा लग रहा है, मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलिए ठीक है, मतलब आप इतनी दूर आए तो अभी आपको ऐसा तो नहीं है कि हम आके गलती किए? नहीं सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ का आने का जो डिसीजन था वो 100% सक्सेसफुल हुआ है अभी। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? अशोक जोशी। सौरभ? अशोक जोशी। अशोक जोशी, तो कहाँ से आप? मैं सूरत गुजरात से। अच्छा ये सूरत गुजरात से है, तो अशोक जी जैसा कि गुजरात में भी आपके तो पास में ही इंस्टीट्यूट है, काफ़ी नामी इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो आप वहाँ छोड़ के और इतनी दूर आए, तो रीजन क्या था? सर यूट्यूब से देखा था, और मैं पहले भी यूट्यूब पे सीखा हुआ हूँ, पर वहाँ पे बराबर नहीं सिखाते, इसलिए बहुत देख के। अच्छा ये बताइए आपके वहाँ पे ऑनलाइन भी सिखाते हैं, तो अभी आप
किसी को अगर बताना चाहोगे तो ऑनलाइन के बारे में क्या कहना चाहोगे, करना चाहिए या नहीं करना? नहीं करना चाहिए सर, जो यहाँ पे सिखाते हैं वहाँ पे नहीं सीख पाएंगे। यहाँ पे मेरे को जो सीखना था वो शुरू के दो दिन में डेमो क्लास में सीख गया था, कंपोनेंट का नॉलेज आप दो दिन की क्लास में ही वो सीख गए, दो दिन की क्लास में सीख गया। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये है वीरेंद्र जी, रोहित जी और पंजाब। अच्छा सॉरी, कहाँ से हो आप? सर मैं पंजाब से हूँ। रोहित अत्री जी हैं, पंजाब से हैं। हाँ जी सर। तो अत्री जी आप ये बताइए कि आप इतनी दूर से आए, क्योंकि पंजाब से दिल्ली पास पड़ता है, ये काफ़ी दूर पड़ा आपको, फिर भी आप यहाँ पे आए, क्या देख के आए और फिर जो आपने देखा तो आपको कैसा लग रहा है? सर मैं एक साल से वीडियोस देख रहा था आपकी, सब अपलोड होती थी, सब बच्चे सेटिस्फाई होकर जाते हैं यहाँ से और सब बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं जाकर, इसलिए मैं उनका रिव्यू चेक करके यहाँ पे आया हूँ। जो देखा था वो अब मिल रहा है, हमें सब देखने को मिल रहा है। हार्डवेयर की हार्ड वर्किंग क्लासेज होती हैं यहाँ पे रात को, और ये सर आते हैं पढ़ाने के लिए हमें एक एक दो दो बजे तक, हमें जो कुछ समझना है वो अच्छे अपने तरीके से समझाते हैं, और अगर जिस किसी ने भी कोर्स करना हो तो एशिया टेलीकॉम ही चुने, यही रिक्वेस्ट है मेरी। मतलब आपका कहना है कि यहाँ रात बजे गाते हैं? ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है, सोना तो पड़ेगा। सही बात है, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा। सही बात है, चलिए ठीक है, थैंक यू रोहित जी। क्या नाम है आपका? सचिन पांचोली जी हैं ये, और ये कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं सचिन पांचोली जी। एक्चुअली yes, इन्होंने एक बार सीट कैंसिल की थी और इनकी तबीयत खराब होने की वजह से इनको सीट नहीं मिल रही थी। क्यों सर? सीट नहीं कैंसिल हो गई थी, इनको दोबारा यहाँ तक आना पड़ा अपना रिपोर्ट कार्ड लेके। यस सर। तो भाई इन्होंने काफ़ी मेहनत की यहाँ पहुँचने के लिए। तो अभी सचिन जी ये बताइए कि आपने इतना होने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता तो शायद आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जा सकते थे, तो क्या रीज़न था कि आप दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं गए और किसी में दोबारा आए? सर ये इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है और मुझे काफ़ी भरोसा है इंस्टीट्यूट में, सर का भी काफ़ी भरोसा है, यहाँ का आने का सर का सिखाने का तरीका काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर नाइट क्लास चलती है सर। मतलब आपका कहना है कि दिन में एक क्लास चलती है, नाइट में क्लास चलती है, मतलब कन्फ्यूजन आपका दूर होता है। चलिए ठीक है, तो आप जो सोच के आए थे, क्योंकि देखिए आपको एक बार तो सीट मिली नहीं थी उसके लिए आपको दोबारा यहाँ आना पड़ा था, तो मतलब आप जो सोच के आए थे वो मिला सर? वो मिला, मतलब आप सेटिस्फाई हो? चलिए थैंक यू। ये है वरिंदर जी, कहाँ से आप? पंजाब से। पंजाब से हैं वरिंदर जी। तो वरिंदर जी अभी जैसा मतलब आप यहाँ पे आए, पंजाब से दिल्ली भी पास था, वहाँ भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे, तो क्या रीज़न है कि आप वहाँ छोड़ के और इस छोटी सिटी में आए? सर वहाँ मुझे कुछ बेस्ट नहीं लग रहा था, यहाँ मैंने इनकी बहुत वीडियो देखी थी, मुझे बहुत अच्छे रिव्यू मिले थे और मैंने सोचा मैं यहीं पर जाऊँगा, इसके अलावा कहीं जाऊँगा, और यहाँ आया मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला, इतना चाहा था उससे अधिक सीखने को मिला। अच्छा ये भी है कि जो रिव्यू आप देख के आए थे, हाँ जी, तो अभी वो कैसा फील हो रहा है कि वो रिव्यू आपको, जैसे देखिए क्या होता है कि हर इंस्टीट्यूट का एक रिव्यू होता है, तो आपको क्या फील होता है वो रिव्यू फेक है या रियल है? एकदम सही थे, सच थे, वो कंप्यूटर अब मुझ में भी है, वो मैं भी रिव्यू दे सकता हूँ क्योंकि आज वही रिव्यू आप भी दे रहे हो। जी सर। यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वरिंदर जी। क्या नाम है आपका? हरियाणा से हो आप? हाँ जी। तो ये बताइए कि आप इतनी दूर से आए और आपने 10-12 दिन की क्लास भी अटेंड कर चुकी है और हार्डवेयर का लगभग क्लास खत्म हो चुका है, अब सॉफ्टवेयर होना है, तो अभी आपको क्या कहना चाहेंगे इसे टेलीकॉम वाले में अगर कोई आ रहा है तो? देखिए सर, जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं, बिल्कुल अच्छा है। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये है अतुल भुजवल जी। तो अभी आप कहाँ से अतुल? मैं सर महाराष्ट्र पुणे से हूँ। महाराष्ट्र से? तो अतुल ये बताओ, आप यहाँ पे आए, क्लास अटेंड की आपने, तो अभी आप क्या बोलना चाहोगे कि आपने जो सीखा वो अपने आप इनफ है या नहीं है, कॉन्फिडेंस आया है या नहीं है? हाँ सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा मिला, इंस्टीट्यूट में आते हैं तो पहली तो बात नॉलेज की आती है, नॉलेज तो मुझे ये एक जो कोर्स है पूरा कंप्लीट कोर्स है जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और EMC आता है, इधर तीन सर है जो अपने बेस्ट लेवल पे सिखाते हैं, इसलिए समझ में सब आता है नॉलेज, और एशिया टेलीकॉम एक बड़ा इंस्टीट्यूट है जिधर आके आपको
पूरा नॉलेज मिलता है। चलिए ठीक है, तो अतुल जी पूरा पूरा काबिल टेक्नीशियन बन जाते हो। अतुल जी जैसा कि मैंने सोचा था उससे कई गुना मुझे नॉलेज मिलेगा। आपने जो सोच के आया था कि आपको वो चीज़ मिला या नहीं मिला? सर 100%। इसलिए मैं सबको रिकमेंड करूँगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको मैं ये बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन एशिया टेलीकॉम में करवाएं और एक अच्छा करियर बनाए मोबाइल रिपेयरिंग का। चलिए ठीक है अतुल जी, तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रशांत सुरवे, मैं महाराष्ट्र से। प्रशांत सुरवे जी महाराष्ट्र से हैं, और महाराष्ट्र में वहाँ तो मुंबई में कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो फिर क्या रीजन है प्रशांत जी कि आप यहाँ इतनी दूर आए, एशिया टेलीकॉम को आपने सेलेक्ट किया? सर मैं तो जैसे सर के वीडियो पहले से देखता हूँ, तो जो स्टूडेंट है उनका जो हौसला है वो हौसला देख के मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। जो सर का पढ़ाना देखा मैंने, सर बहुत अच्छे से तरह पढ़ाते हैं, सर के वीडियो से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया। अच्छा देखिए, आपने एक जो बात बोली है कि जो पढ़ाने का तरीका है, कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक, तो यहाँ पे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आपको सिर्फ नॉलेज बस नहीं दिया जाता, नॉलेज के साथ साथ में आपको एक राह भी दी जाती है कि आपको लाइफ में क्या करना है। तो चलिए ठीक है प्रशांत जी, आप यहाँ सेटिस्फाई हो या नहीं? अब आप काम करोगे कॉन्फिडेंस से करोगे? चलिए ठीक है, थैंक यू प्रशांत जी। क्या नाम है आपका? विजय मोहिते। आप महाराष्ट्र से हैं? महाराष्ट्र से हैं। तो अभी विजय जी ये बताइए, आप जब आए थे तो शायद एक दो दिन यहाँ आने के बाद आपको कुछ कंफ्यूजन रहे होंगे, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था, मुझे मालूम है। तो दो दिन रुकने के बाद, जैसा कि मैं सबसे बोलता हूँ कि आप दो दिन फीस मत दीजिए, तो आपने भी जाहिर सी बात है नहीं दी, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? तो आपने दो दिन पहले आया था, तो सर ने बोला था कि दो दिन के बाद ही फीस लेते, दो दिन डेमो क्लास देने के पहले हमको समझ गया कि ये कैसा है सर सिखाते हैं। मैं पहले से थोड़ा काम करता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पूरा मतलब कम्प्लीट नॉलेज मिल गया यहाँ। मतलब कोई भी अगर सीखना चाहता है तो एशिया टेलीकॉम में आए, और जो ये सर बोलते हैं कि हम प्रैक्टिकल करवा दिखाते हैं, यह सब प्रैक्टिकल और सब सही तरीके से नॉलेज देते हैं, ट्रेसिंग वगैरह का बहुत सी जगह पे इंटरव्यूड है जो अपने को आधा अधूरा नॉलेज देते हैं, तो उनको ट्रेसिंग वगैरह सिखाया नहीं जाता है। मैं यहाँ के अच्छा ट्रेसिंग सीख गया हूँ, और कोई भी फॉल्ट रहेगा तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छे बताइए, जैसे कि आपने बोला कि डेमो क्लास, तो यहाँ पे वो वाकई में डेमो रहती है या रियल क्लास रहती है? डेमो क्लास में भी कंपोनेंट का पूरा नॉलेज दिया जाता है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि आधे घंटे का डेमो क्लास, 7-8 घंटे का क्लास चालू रहता है। एक्चुअली वो रहती है रियल क्लास है, लेकिन फिर भी आपसे दो दिन पैसे नहीं लिए जाते, क्योंकि दोस्तों अपने यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती कि आप पैसे दे दो फंस जाओ, एडवांस दे दो, ऐसा है क्या कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत बढ़िया सिखाते हैं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू विजय जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उमेश कुमार सिंह है। हाँ उमेश कुमार सिंह। उमेश कहाँ से हो आप? जी मैं बिहार से। बिहार से हैं। तो उमेश जी जैसा कि बिहार में भी आपके नाम नहीं लेना चाहेंगे, पर वहाँ भी कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो काफ़ी नामी हैं, तो ये बताइए आप इतना दूर छोड़ के और यहाँ पे आए, तो अभी आप जो सोच के आए थे वो चीज़ आपको मिला या नहीं? जी सर पूरा यहाँ पर 100% आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो अभी आप दुकान में जाओगे तो कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हो? जी सर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे सर, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे वो पूरा सीख के जाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर घर में जाके काम कर सकते हैं अपने दुकान में जाके। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा पुण्यशील कोटांगले, महाराष्ट्र गोंदिया जिला। तो ये बताइए पुण्यशील जी कि आप महाराष्ट्र से, चूँकि आप भी जानते हैं महाराष्ट्र में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, मुंबई इतनी बड़ी सिटी है, फिर भी आप वहाँ छोड़ के और इतनी छोटी छोटे से सिटी में आ रहे हैं सीखने, तो आप कुछ तो सोच के आए होंगे ना? हाँ सर, ये एशिया टेलीकॉम के मैंने रिव्यू देखा था, तो रिव्यू इसके बहुत अच्छे थे, पर थोड़ा डर था यहाँ आने के बाद की, मतलब वही दो दिन की क्लास में आपने लिया, तो सबके मन में एक चीज़ रहता है कि दो दिन क्लास जब आप शुरू में आते हो तो आपको लगता है ना कि आप कैसा पढ़ा रहे हो कैसा नहीं पढ़ा रहे हो, तो आपके मन में जाहिर सी बात है डर रहा होगा, तो उस समय आपने क्या सोचा होगा?
हाँ सर, दो दिन तो लगा कि मतलब थोड़ा कंफ्यूजन, तीसरे दिन में पूरा कंपोनेंट का नॉलेज पूरा आ गया फुल, मतलब मोबाइल के मदरबोर्ड में जो भी कंपोनेंट होते हैं पूरी नॉलेज मिल गई। फिर आगे अभी 10-12 या दिन हो गए, उसमें तो पूरा हार्डवेयर का पूरा कोर्स हो गया। अभी हार्डवेयर का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो सर बना लेंगे। अच्छा, दो दिन आपको जब तक था, क्या आपसे पैसे लिए गए? नहीं सर, दो दिन के कोई पैसे नहीं लिए। रात तक 7-8-9 बजे तक क्लास चली दोनों दिन। अच्छा, और फिर 7 बजे तक यहाँ से क्लास चलती थी, फिर रात में भी क्लास चलती थी हॉस्टल में? 12-1 बजे तक क्लास चलती थी। चलिए ठीक है, थैंक यू पुण्यशील जी। ओके सर, थैंक यू। क्या नाम है? रुस्तम कोले, महाराष्ट्र से। अच्छा रुस्तम, इस बार महाराष्ट्र से जा रहे हैं। तो रुस्तम जी, ये बताइए कि अभी आप क्या बोलना चाहोगे एसएटी टेलीकॉम वालों, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई साथी या महाराष्ट्र से कोई आना चाहता है, तो आप उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए सर, यहाँ पे जो सर सिखाते हैं उनकी तकनीक बहुत अच्छी है, और किसी को कोई आना चाहता है समझो यहाँ से, वैसे तो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन ऐसा इंस्टीट्यूट मैंने पहली बार देखा, क्योंकि मैं तो पहले यूट्यूब पर लगता था कि कौन से इंस्टीट्यूट में जाओ, लेकिन मैंने अब लग रहा है कि मैंने सही फैसला किया इधर आके, क्योंकि यहाँ की जो सिखाने की तकनीक है जो वो मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं हुई। मतलब ये आपको ये तकनीक अच्छी लगी? हाँ। और जो आपने सोच के आया, जो सोच के आया था आपने वहाँ से इतनी दूर, तो वो आपको मिला या नहीं मिला? मिला सर, उससे बढ़िया ज़्यादा मिला। अच्छा, मतलब आप सेटिस्फाई हो? हाँ सर। हम ऐसा तो नहीं कि हम आपको फोर्स करके बुलवा रहे हैं? ऐसा नहीं सर, पहले तो 2 दिन डेमो क्लास हुई और आपने बता भी दिया कि डेमो क्लास के बाद आपको अगर लगा अच्छा लगा तो ही आप पैसे देना, नहीं तो आप जा सकते हो। हमको अच्छा लगा तभी हमने पैसे दे दिए। और मतलब कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं कि आपसे एडवांस हमने जमा करा लिया जबरदस्त, और अगर आप जाने लगे तो पैसे नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है सर। सीरियस? हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बायर लग चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन, कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं। सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो तरकीब बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे। तो मैं यहाँ पे गए हुए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे। अच्छा देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा। और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में सीख लिया। चैनल फॉलो कर लें, हम बोले सर हमें पैसे नहीं दिए, बोले मेरा दिल उड़ रहा है, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं,
यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, हाँ तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और जो मैंने अच्छा ये सर सुना ये सर ये सारी चीज हमने फील सुनी कल, जो कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सब मुझे बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Answer 9001 and 2845 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2835 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.